Hello students, in the last video we have started the topic capacitance. We have started the topic capacitance or capacitor. So last time हमने ये start कर दिया था कि capacitor क्या होता है. Capacitor एक ऐसी device होती है which is used to store electric energy or electric charge. तो capacitor का जो काम, capacitor आपने देखा भी होगा कि जो conductors होते हैं उनकी एक ability होती है कि वो electric charge को store कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो स्टोर करने वाली डिवाइस होती है दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर. और उसकी इस एबिलिटी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस. तो लास्ट टाइम हमने यहीं से डिसकंटिन्यू किया था, अभी यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं. कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ द एबिलिटी टू एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कंडक्टर्स. तो कैपेसिटर में क्या होता है कि दो कंडक्टर को अरेंज करके रखते हैं और दे आर सेपरेटेड बाई ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम और उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी का काम होता है चार्ज स्टोर करना. तो चार्ज जो किसी भी कंडक्टर पे होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी स्टूडेंट्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड कैपेसिटेंस क्या होता है. कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की, और उस कंडक्टर को अगर हम स्पेशली अरेंज कर दें तो क्या बोलते हैं, कैपेसिटर. कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की. तो दुनिया में कई तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर इन अवर सिलेबस. ओनली एंड ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज देयर. हमारे सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड. इन दिस टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो उसका हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है. ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम है. इसमें आप देखो दो मेटल की प्लेट है और इनको प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिया गया है. तो ये चार्ज कैसे आएगा, ये आएगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर देंगे. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगा देने से ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. तो देर विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. और आपको मालूम है पिछले चैप्टर में गॉस थ्योरम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये कितनी प्लेट हैं, दो प्लेट हैं. एक प्लेट का कितना होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. दूसरी प्लेट का भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. सो बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एड होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज दिस सिग्मा, ये तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया. और ये ई और वी का एक रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू वी बाई डी. सो इफ आई राइट ई इज इक्वल टू वी बाई डी और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए. और अभी पीछे हमने क्या किया है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी से वी कैंसिल हो गया. तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. अब नाउ होता क्या है, सिचुएशन चेंज कर सकते हैं कि भाई जर्नली प्लेटों के बीच में हमने यहाँ एयर ली है, क्वेश्चंस में भी एयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा एयर ही होगी. एयर के अलावा कोई और मीडियम भी प्लेट्स के बीच में हो सकता है. सपोज देर इज एनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड बिटवीन द प्लेट हैविंग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा. तो सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी और इसकी जगह के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो सी डैश इज इक्वल टू के सी और इट इज ग्रेटर देन सी. तो मतलब क्या हो गया कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर के बजाय कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता हो जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है, इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एयर के अलावा अगर कोई और मीडियम होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि सपोज जैसे आपने क्लास टेंथ में रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना होता है, आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में कितना होता है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू. तो इसी तरह से कैपेसिटर्स की भी ग्रुपिंग की जाती है, कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन किया जाता है. कैपेसिटर इज ए सर्किट एलिमेंट. स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे आपका रेजिस्टेंस एक सर्किट एलिमेंट होता है ऐसे ही कैपेसिटर भी सर्किट एलिमेंट होता है. तो जैसे रेजिस्टेंस का हम ग्रुपिंग करते हैं, रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स भी किया जाता है. तो दो तरह की ग्रुपिंग होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये देयर आर थ्री कैपेसिटर्स, एक का कैपेसिटेंस सी वन है, दूसरे का सी टू है, सी थ्री है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी. ठीक है, तो अब क्या होगा,
आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, इंपॉर्टेंट फीचर होता है चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। प्लीज रिमेंबर, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, बिकॉज चार्ज तो कंजर्व रहता है, जितना चार्ज यहाँ से चलेगा उतना ही कैपेसिटर में से फ्लो करके इधर आ जाएगा, तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है। चूंकि कैपेसिटी अलग अलग है तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा जो इन तीनों में ऐड होकर आएगा वो इसी के ना बराबर होगा। सो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। सो क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू क्यू बाई सी थ्री, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। सो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटेंस में सीरीज का होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन सीरीज इफ देर आर कैपेसिटर्स कनेक्टेड तो टोटल कैपेसिटेंस इज गिवन बाई वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको फीचर याद रखना है कि कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस विल सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज डिवाइड हो जाता है, तो टोटल पोटेंशियल वी से हमने इनको कनेक्ट किया तो वी 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 रहेगा। चार्ज मान लो टोटल क्यू यहाँ से निकला और इधर Q1 गया, Q चार्ज तो डिफरेंट जाएगा ना क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है, तो Q1, Q2, Q3, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो Q इज इक्वल टू CV, अगर Q टोटल चार्ज है और C टोटल कैपेसिटेंस है तो Q इज इक्वल टू CV, Q1 इज इक्वल टू C1V प्लस Q2 इज इक्वल टू C2V प्लस Q3 C3V, इस तरह से VV कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस C is equal to epsilon naught A by D and grouping of capacitors, please solve these questions in your homework 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.0 NCERT exercise. In case of any doubt, please ask so that we can discuss. So, ये grouping of capacitor हो गया, तो next topic हम next video में continue करेंगे. Okay, thank you and thank you so much.